नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पटना पहुंची राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने मांगा समर्थन, नीतीश कुमार बोले भारी बहुमत से होगी जीत। सुपौल में खुलेगा राज्य का 15वां नया मेडिकल कॉलेज, कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। बिहार में बाढ़ ने बढ़ाई चिंता, खगड़िया में कोसी और बागमती में उफान, जाने अपडेट। दूषित पानी के मामले में स्मार्ट सिटी भागलपुर बिहार में नंबर 1, आर्सेनिक 10 गुना तो आयरन 2 गुना ज्यादा। केंद्र सरकार ने बिहार को दिए 1152 करोड़ रुपए, गाँवों का होगा विकास, जाने कहां होंगे खर्च। बिहार से बंगाल के लिए चलाई जाएंगी नई बसें, परिवहन विभाग 17 रूटों पर करेगा परिचालन। विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के निर्माण का सपना अधूरा, सहमति के 1 साल बाद भी भू अर्जन की पहल नहीं। बिहार में पर्यटन विभाग खोलेगा रेस्टोरेंट और ढाबा, मिलेंगे 160 प्रकार की सुविधाएं। राष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार घोषित होने के बाद पहली बार पटना पहुंची द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को बिहार, झारखंड और ओडिशा के बीच खून और हवा के रिश्ते का हवाला देते हुए एनडीए दलों से राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में मेरा दादी घर है, तो वहीं बिहार पैतृक राज है, इससे रिश्ते को भुलाया नहीं जा सकता है। वे स्थानीय होटल में एनडीए दलों, भाजपा, जदयू, राष्ट्रीय लोजपा और हम नेताओं के साथ बैठक कर रही थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज और हम के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सहित एनडीए दलों के कई मंत्री, विधायक, विधान पार्षद आदि मौजूद रहे। बैठक में एनडीए नेताओं को संबोधित करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भले ही देश में अब तक हुए राष्ट्रपति की तरह उनकी छवि न हो, लेकिन अपने अनुभव और सामर्थ्य के हिसाब से बेहतर करने का प्रयास करूंगी। उन्होंने कहा कि पिछड़ा क्षेत्र के होने की वजह से लोगों को उनको लेकर आशंकाएं हैं, लेकिन विश्वास दिलाना चाहती हूं कि मेरे पास पार्षद से लेकर विधायक, मंत्री और राज्यपाल के रूप में जो लंबा अनुभव रहा है, उसकी बदौलत सांविधानिक व्यवस्था का बेहतर ढंग से निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगी। कहा है कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है, देश ही सब कुछ है। बिहार राज्य के सुपौल जिले में एक नया सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल खुलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई है। सुपौल जिले में नया लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति दी है। इसके लिए कुल 603 करोड़ 68 लाख की लागत पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। सुपौल में नव स्थापित होने वाला लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल राज्य का 15वां सरकारी संस्थान होगा, जिसका निर्माण कार्य जाएगा। राज्य में अभी तक 14 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का कार्य पाइपलाइन में है। इसमें सीवान, भोजपुर, बक्सर, सीतामढ़ी, जमुई, महुआ, झंझारपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया, छपरा, सीवान, मोतिहारी, मुंगेर और बेगूसराय की स्वीकृति पहले दी जा चुकी है। अभी तक राज्य में सरकारी क्षेत्र में 12 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की मान्यता मिल चुकी है। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदियों में फिर से उफान है, जिससे लोग सहमे हुए हैं। बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाके में पानी घुसने लगा है। पूर्णिया में अमौर प्रखंड में बहने वाली परमान नदी में उफान के कारण कई सड़क पुल ध्वस्त हुए हैं। बड़ी ईदगाह पंचायत में सरबैली फुलेसरी धार पर बना पुल परमान नदी की तेज बहाव से ध्वस्त हो गई है। बिहार की नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अब एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा थाम लिया है। संवेदनशील जिलों में एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। बिहार का इकलौता जिला है भागलपुर, जहां के पानी में 4 तरह के दूषित पदार्थ हैं। पानी की वजह से यहां बीमार लोगों की संख्या काफी बढ़ी है, खासकर पेट के मरीजों में काफी वृद्धि हुई है। जानकारों के अनुसार यहां के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक, फ्लोराइड व आयरन की काफी मात्रा तो थी ही, अब नाइट्रेट की मात्रा भी बढ़ गई है। हालात यह है कि ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट की मात्रा के मामले में भागलपुर सूबे का 4th शहर बन गया है। नियमतः भूगर्भ जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिकतम 1.5 ppm होना चाहिए, पर है 2 गुना। इसी तरह आर्सेनिक की मात्रा अधिकतम 0.010 ppm होनी चाहिए, पर मानक से 10 गुना ज्यादा है। आयरन भी मानक से 2 गुना है। अब नाइट्रेट की मात्रा भी ज्यादा मिलने लगी है। जानकारों के अनुसार पानी में नाइट्रेट की मात्रा 350 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा है। इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।
बिहार के विकास को अब और रफ्तार मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने बिहार के गांवों के विकास के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 1152.60 करोड़ रुपये का फंड जारी किया है। इस फंड का उद्देश्य निचले स्तर तक विकास को पहुंचाना है। इसका उपयोग ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में तय फॉर्मूले के आधार पर किया जाएगा। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास को अंतिम पायदान तक ले जाने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार को अनुदान मद के तहत पहली किस्त के रूप में 1152.60 करोड़ रुपये का फंड दिया है। यह फंड 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर दिया गया है। सम्राट चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मिले फंड से बिहार के 8067 ग्राम पंचायतें, 533 पंचायत समितियां और 38 जिला परिषदों को सुदृढ़ किया जाएगा। बिहार और पश्चिम बंगाल में बस से सफर करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही बिहार के विभिन्न जिलों से बंगाल के लिए 17 रूटों पर बस का परिचालन किया जाएगा। इस सेवा की शुरुआत हो जाने के बाद यात्री अपने जिले से ही पश्चिम बंगाल जाने के लिए बस पकड़ सकेंगे। परिवहन विभाग ने पिछले दिनों बिहार से पश्चिम बंगाल जाने वाले इन रूटों के लिए बस संचालकों से परमिट के लिए आवेदन मांगा था, जिसके बाद बस मालिकों ने विभाग को अपना अपना आवेदन सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि विभागीय प्रक्रिया को पूरा होने के बाद बस मालिकों को 17 तय रूटों पर बस चलाने की अनुमति दी जाएगी। इन रूट पर पहले से भी बसों का संचालन हो रहा था, पर अभी उनकी संख्या कम है। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कहलगांव के परशुराम चक इकडारा में किया जाना सबसे अधिक उपयुक्त होगा। इस बात की रिपोर्ट केंद्रीय साइट सिलेक्शन कमेटी ने 2 जुलाई 2021 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी। रिपोर्ट सौंपने के बाद एक साल गुजर गया, लेकिन निर्माण की सुगबुगाहट भी शुरू नहीं हो सकी है। यह मामला पिछले 7 वर्षों से चल रहा है। इस दौरान विभिन्न विभागीय प्रक्रिया कई चरणों में गुजारते हुए पूरी की जा चुकी है, बावजूद इसके भूमि अर्जन और निर्माण की दशा में पहल नहीं हो पा रही है। विक्रमशिला महाविहार के पास केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जिला प्रशासन ने भी सबसे उपयुक्त जगह कहलगांव के परशुराम चक एकडारा को बताते हुए प्रस्ताव भेज दिया है। यहां के जमीन के अधिग्रहण करने में अड़चन नहीं है। इस बाबत सुझाव देते हुए एक अनुरोध पत्र जिला प्रशासन ने शिक्षा विभाग को गत 2 अप्रैल को भेज दिया है। बिहार राज्य के सभी पर्यटन केंद्रों तक के पहुंच पथ वाले रास्तों के किनारे जल्द ही रेस्टोरेंट व ढाबा खोले जाएंगे। इनमें पर्यटकों को सभी अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए प्रथम फेज में राजगीर, बोधगया, वैशाली और गया के रास्तों को जोड़ा जाएगा। पर्यटन सर्किट के आसपास मार्गीय सुविधा केंद्रों के विकास के लिए सरकार 38.80 करोड़ रुपये खर्च करेगी। अगले 3 साल में अलग अलग स्तर के करीब 160 सुविधा केंद्रों को शुरू करने का लक्ष्य विभाग ने रखा है। इसको लेकर पर्यटन विभाग जल्द ही निजी निवेशकों से आवेदन लेगा। वर्तमान में चल रहे ढाबा, रेस्टोरेंट व पेट्रोल पंप को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर कम से कम आधे एकड़ में चल रहे पुराने ढाबा, रेस्टोरेंट व पेट्रोल पंप को राज्य सरकार अधिकतम 20 लाख अनुदान देगी, ताकि उन्हें नए रंग रूप में सजाया संवारा जा सके। अगर आप होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने के शौकीन हैं, तो यह आपके काम की खबर है। सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले लोगों की राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब कोई भी होटल या रेस्टोरेंट किसी भी ग्राहक से सर्विस चार्ज के नाम पर पैसा नहीं वसूल सकेगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इसको लेकर निर्देश जारी किया है। CCPA के इस निर्देश के मुताबिक अब होटल या रेस्टोरेंट किसी भी ग्राहक से बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने साफ किया है कि सर्विस चार्ज को खाने के बिल में भी नहीं जोड़ा जा सकेगा। अगर कोई भी होटल या रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों पर सेवा शुल्क भुगतान के लिए दबाव नहीं डाल सकेंगे। यह पूरी तरह से ग्राहकों के विवेक पर निर्भर करेगा। अगर ग्राहक अपनी मर्जी से सेवा शुल्क देना चाहते हैं, तो वह दे सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी की परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। 17 अगस्त से ग्रुप डी की परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही RRB ने साफ कर दिया है कि अभ्यर्थियों को 2 परीक्षा देना होगा। बोर्ड ने एक प्रारंभिक और दूसरा मुख्य परीक्षा कराने का फैसला लिया है। बता दें कि देश भर से 1,18,000 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। इसके माध्यम से करीब 1,03,000 युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। बिहार से लगभग 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रथम चरण की परीक्षा में शामिल
होंगे। परीक्षा लगातार 2 महीने तक अलग अलग चरणों में होगी। 1 दिन में 3 पालियों में परीक्षा होगी। आरआरबी की ओर से वर्ष 2019 के जनवरी में ग्रुप डी परीक्षा के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। आरआरबी ने वर्ष 2019 में ग्रुप डी का विज्ञापन जारी करने के बाद उसमें 3 बार संशोधन किया। अंतिम बदलाव से अभ्यर्थी काफी परेशान हो गए थे और उन्होंने इसका जमकर विरोध किया था।